देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी अहम है, लेकिन पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा ही एक बड़ा हादसा महाराष्ट्र के नासिक में सामने आया है। यहाँ फैक्ट्री से निकाल कर भेजे जा रहे 40 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग गई। इन स्कूटर्स को जितेंद्र ईवी नामक कंपनी ने बनाया था। माना जा रहा है कि देश में इस तरह का बड़ा पहला मामला सामने आया है, जब इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगी है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के समय से पहुंचने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटर्स को बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। कंपनी ने कहा है कि वह आग के लगने की जाँच कर रही है। आपको बता दें, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की इस घटना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी काफी गंभीर है। मंत्रालय ने कंपनी के प्रतिनिधियों से घटना की जांच रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी FADA की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जितेंद्र ईवी ने साल 2021 और 22 में 3,788 टू व्हीलर्स व्हीकल बेचे हैं, जबकि एक साल पहले 319 टू व्हीलर्स की बिक्री हुई थी। 2021 और 22 के दौरान कुल 2,31,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अचानक आग लगने की ये कम से कम 5वीं घटना है। पिछले महीने पुणे में सड़क के किनारे खड़े एक ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी, तो वहीं ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की भी एक घटना सामने आई थी। सरकार ने ओला और ओकिनावा को उनके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगने के मामले के पे जवाब मांगा है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट फ्रॉम सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी ने एक टीम गठित करके इन सभी घटनाओं की जाँच करने को कहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको सामने जरूर लेके आएंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। We'll be right back.